दोस्तों सीबीएसई बोर्ड का 2024 का रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। तो जो स्टूडेंट यहाँ पे पास आउट हो चुके हैं तो वो कैसे अपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करके घर बैठे हुए अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट रिसीव करेंगे, उससे जुड़ी हुई जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तो देखिए दोस्तों माइग्रेंट सर्टिफिकेट को ऑनलाइन घर बैठे हुए मंगाने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको आ जाना है सीबीएसई की मेन वेबसाइट पे। तो यहाँ पे मैं अपने ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ, सर्च करता हूँ सीबीएसई की मेन वेबसाइट या सर्च करते हैं आप सीबीएसई, तो जो पहला लिंक आता है उस पर क्लिक करके हम सीबीएसई मेन वेबसाइट पर जाएंगे। अब यहाँ पे हमें मेन वेबसाइट पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हम सीबीएसई की मेन वेबसाइट पर जाएंगे जहाँ से आप अपना 10th 12th का रिजल्ट भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे 10th 12th रिजल्ट हमारा आ चुका है जो कि नोटिस सेक्शन के अंदर मेंशन किया हुआ है। 10th और 12th रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर हो चुका है जो कि 13 मई को हमारा आया था। तो अब देखिए दोस्तों जो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो स्कूल से नहीं मिलता है, वो आपको ऑनलाइन ही मंगवाना होता है क्योंकि सीबीएसई की मेन वेबसाइट से आपको मंगाना होता है। तो देखिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि है डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम DADS। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है जो कि है डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम। क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जहाँ पे आपको कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम आ जाएंगे डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम के मेन पेज पे, जिसका लिंक आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक में क्लिक कर डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए जैसे मार्कशीट, माइग्रेशन और पासिंग सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए, चाहे वो आपका ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो या फिर आप डुप्लीकेट मंगाना चाहते हो, सेम प्रोसेस आपका रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए आपको उसमें मिलता है प्रिंटेड डॉक्यूमेंट। तो प्रिंट डॉक्यूमेंट के उसमें क्लिक करने से पहले हम फीस के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे उसमें मिलता है फीस सर्कुलर, इस ऑप्शन में क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए नोटिस मिल जाएगा, इसमें देखिए मेंशन किया गया है सेकंड पॉइंट पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट और उसकी डुप्लीकेट कॉपी अगर मंगाना चाहते हैं आप तो आपको देना होता है 250 रुपये। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपका पुराना डॉक्यूमेंट है, अब आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए 350 रुपये पे करने होंगे। तो और साथ ही अगर आपको अर्जेंट मंगाना है तो उसके लिए आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। तो हम यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं तो बैक आते हैं वेबसाइट पे, यहाँ पे क्लिक करते हैं हम यहाँ पे प्रिंट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे। इस ऑप्शन में क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है क्लास स्टूडेंट की, आपको 10th का माइग्रेशन सर्टिफिकेट मंगाना है 12th का, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कैंडिडेट का रोल नंबर मेंशन कर देना है, पासिंग ईयर आपका क्या है जो कि आपका 2024 रहेगा। इसके बाद आपको कैंडिडेट का नेम, जो भी कैंडिडेट का नेम है वो मेंशन कर देना है, फादर्स नेम मेंशन कर देना है और फिर सर्च के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए सबसे पहले स्टूडेंट की डिटेल यहाँ पे शो कर जाती है जिसको आपको एक बार चेक कर लेना है। इसके बाद स्क्रॉल करते हैं तो आपको मिलता है एड्रेस डिटेल का, तो यहाँ पे अब आपको अपनी एड्रेस डिटेल फिल करनी है। तो एड्रेस डिटेल में सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है कंट्री जो कि आपकी इंडियन रहेगी। इसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल मिलता है ऑप्शन एड्रेस फिल करने का, तो यहाँ पे एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 के अंदर अपना पूरा एड्रेस मेंशन कर देना है। स्टेट सेलेक्ट कर लेना है अपना और फिर डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट कर लेना है आपको यहाँ पे अपना, और पिन कोड में आपको अदर सेलेक्ट करके पिन कोड यहाँ पे फिल कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे वर्किंग मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आपको वो मोबाइल नंबर फिल करना है जो आपके पास अवेलेबल हो जब बाई पोस्ट आपका यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट रिसीव होगा, तो इसी नंबर पे आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डिस्पैच मोड का, तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, बाई पोस्ट और बाई हैंड। तो अगर आप बाई पोस्ट के ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो जो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो बाई पोस्ट ही आपके घर पे रिसीव होगा। अगर आप बाई हैंड के ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो इस केस में आपको सीबीएसई हेडक्वार्टर जाके ही अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट रिसीव करना है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं अर्जेंट का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर ले बाई पोस्ट या बाई हैंड और उसके बाद अर्जेंट के ऑप्शन को टिक करते हैं तो इस केस में आपको करना क्या होगा, जो आपकी फीस है माइग्रेशन सर्टिफिकेट की वो 350 रुपीज़ आपकी फीस है, और अगर आप अर्जेंट के ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो आपको 500 रुपीज़ चार्ज एक्स्ट्रा देना होगा। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर जो आपकी फीस है वो रॉन्ग मेंशन की हुई है। बाई पोस्ट अगर आप क्लिक करते हैं और अर्जेंट के ऑप्शन क्लिक करते हैं तो आपको जो फीस देनी होगी 350 प्लस 500 रुपीज़ चार्ज देना होगा। अगर आप सिंपल बाई पोस्ट में क्लिक करते हैं तो आपको 350 रुपीज़ पे करनी होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे बाई पोस्ट और अर्जेंट के ऑप्शन में क्या फ़र्क है। तो देखिए दोस्तों जो अर्जेंट अगर अप्लाई करते हैं आप यहाँ पे उसमें क्लिक करके 500 रुपीज़ चार्ज एक्स्ट्रा देते हैं, तो इस केस में जो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो 2 दिन से लेकर 5 डेज के अंदर आपके एड्रेस पर बाई पोस्ट सेंड कर दिया जाएगा। अदरवाइज जो मिनिमम टाइम लगता है आपके माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके घर पर रिसीव होने में, अगर आप नॉर्मल अप्लाई करते हैं तो 15 डेज के अंदर आपको वो रिसीव होगा। लास्ट टाइम भी काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे परेशान हुए थे, उन्होंने अर्जेंट अप्लाई कर दिया था लेकिन फिर भी उनको 1 वीक के बाद ही उनका सर्टिफिकेट अप्लाई हुआ था। ऐसा क्यों? क्योंकि जब बल्क में
अभी देखें 2024 के अंदर स्टूडेंट पास आउट हुए हैं तो सभी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। लगभग 14 लाख से ज़्यादा बच्चे सीबीएसई के यहाँ पे पास हुए हैं, जो भी पास हुए सॉरी मतलब स्टूडेंट थे तो वो अप्लाई करेंगे। तो इस केस में क्या रहेगा, 14 लाख सीबीएसई एग्जाम से डिस्पैच नहीं कर पाते, थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा। अगर आपने अप्लाई किया है बैंक सर्टिफिकेट के लिए तो आपके एड्रेस पर वो सेंड कर दिया जाएगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो सकता है। तो मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा आप बाई पोस्ट क्लिक कीजिएगा, अर्जेंट अप्लाई नहीं कीजिएगा। अर्जेंट अप्लाई करेंगे तो भी सेम टाइम में आपको रिसीव होगा, और आपके ऊपर डिपेंड है आपको अर्जेंट मंगाना है या बाई पोस्ट सिंपल नॉर्मल मोड में मंगाना है, वो आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल मोड में ही मंगा रहा हूँ, इसलिए बाई पोस्ट क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं तो उसमें मिलता है डॉक्यूमेंट का, तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे मंगाना है उस ऑप्शन को टिक करना है, जो कि माइग्रेशन है। इस ऑप्शन पे हमें यहाँ पे टिक कर लेना है। डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन मिलता है अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, गवर्नमेंट आईडी। तो यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड अपलोड कर लेना है, इसमें आपका राइट एड्रेस मेंशन होगा आधार कार्ड के अंदर। चूज सॉल्यूशन क्लिक के आपको 200 KB तक की फाइल यहाँ पे अपलोड कर लेनी है अपने आधार कार्ड की, और अपलोड ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करके डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा, बाकी दो डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पे स्किप कर दीजिएगा, सिर्फ आपको एक डॉक्यूमेंट ही अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने के बाद अब हमें यहाँ पे कंटिन्यू पे के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, जहाँ पे देखिए आपकी सारी डिटेल मेंशन होगी। इसमें देखिए आपका एप्लीकेशन नंबर मेंशन होगा, जिसको आपको नोट डाउन कर लेना है। साथ में आपको यहाँ पे कैंडिडेट का रोल नंबर, कैंडिडेट का नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डिस्पैच एड्रेस, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कितनी फीस पे आपको शो कर रहेगी, 350 रुपीज़। लेकिन डॉक्यूमेंट जो आपको फीस शो कर रही थी वो 250 रुपीज़ शो कर रही थी, तो यहाँ पे जो फीस है इस बार जो आपको देनी पड़ रही है वो है 350 रुपीज़ का आपको चार्ज देना होगा। पहले 250 रुपीज़ चार्ज देना होता था, लेकिन अब 350 रुपीज़ चार्ज आपको देना होगा। तो यहाँ पे अगर अर्जेंट के लिए आपने अप्लाई किया है साथ में, तो आपको यहाँ पे फीस शो करेगी 850 रुपीज़, में 500 रुपये आपका ऐड रहेगा। तो अब हमें यहाँ पे 350 रुपीज़ की पेमेंट करनी है। पेमेंट आप ऑनलाइन मोड में कीजिएगा, यहाँ पे हम पेमेंट मोड के उसमें क्लिक करते हैं और ऑनलाइन मोड को सेलेक्ट कर लेते हैं, और फिर पे का उसमें क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल्स हो करेगी, एप्लीकेशन आईडी नंबर दोबारा से आप नोट डाउन कर सकते हैं। पेमेंट हमें 350 रुपीज़ चार्ज देना होता है, तो यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं पेमेंट पेज पर जाएंगे, जहाँ पे आप पेमेंट क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं यूपीआई के थ्रू अपनी पेमेंट कर लेता हूँ। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपके सामने फाइनल जो प्रिंट है माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आपने अप्लाई किया है वो आपको शो कर जाएगा, उसको आपको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लेना है। इसमें आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, जिसको आपको नोट डाउन रख लेना है। पेमेंट स्लिप जनरेट होने के बाद अब आपको अपने किसी को ट्रैक कैसे करना है, इसलिए देखिए सेम आपको वेबसाइट पर जाना है जहाँ से आपने अप्लाई किया था। यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन देखने को मिलता है ट्रैक एप्लीकेशन, इस ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जो एप्लीकेशन नंबर है आपका मेंशन करना है और ट्रैक उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी, इसमें आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, साथ में रोल नंबर मेंशन होगा, किस ईयर के आप पासिंग है वो मेंशन होगा, नेम मेंशन होगा, एड्रेस ऑफ डिस्पैच मेंशन होगा, और डॉक्यूमेंट अप्लाई किसके लिए किया वो मेंशन होगा, स्टेटस मेंशन होगा। तो यहाँ पे देखिए जब आपको शो करने लगे आपका ट्रैकिंग नंबर, यानी आपका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपका सेंड कर दिया गया है आपके एड्रेस पर, और आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलता है जिससे आप अपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट ट्रैक कर सकते हैं। और इस सर्टिफिकेट ट्रैक कैसे करना है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसको आप चेक कर सकते हैं, जिसमें आप पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पर जाके अपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट के ट्रैकिंग नंबर से आप ट्रैक कर सकते हैं कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका कहाँ तक रिसीव हुआ है, कहाँ तक पहुँचा है, उससे आप ट्रैक कर सकते हैं, जो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों मेनली बात करते हैं यहाँ पे, जो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट है आपने नॉर्मल वे में अप्लाई किया है तो आपको मिनिमम 15 डेज तो लग जाएगा वो सर्टिफिकेट आपके एड्रेस पर पहुँचने में। अगर आपने अर्जेंट अप्लाई किया है तो विद इन 7 डेज के अंदर आपके एड्रेस पर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट बाई पोस्ट रिसीव हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है अपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए। सेम तरीका रहने वाला है डुप्लीकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट का। तो देखिए दोस्तों अगर आपको आपका ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको रिसीव हो गया था लेकिन वो आपका खो गया है या आपने कहीं सबमिट कर दिया है, आपको डुप्लीकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको अप्लाई करना है, तो सेम तरीके से आपको अप्लाई करना है। आपका डुप्लीकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट सेम तरीके सेम प्रोसेस से आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाएगा, उसके लिए फीस भी आपको सेम देनी होगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप ओरिजिनल और डुप्लीकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आई होप दोस्तों वो क्लियर हो गया होगा कैसे आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं और कैसे आपको ट्रैक करना है। A to Z जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दिया। थैंक यू।